नमस्कार सभी को। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि हम कैसे प्रारंभिक परीक्षा 2023 में कठिन प्रश्नों को हल करें और हल करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिलती है बच्चों की कि वो कठिन प्रश्नों को डील ही नहीं कर पाते और कई बार उनको ज्ञान होने के बाद भी वो कठिन प्रश्नों को करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? हम कैसे कठिन प्रश्नों की मुसीबत से बचें, हम कैसे कठिनाई से पार पा सकें, इस पर आज हमने वीडियो बनाया है। पिछली वीडियो में मैंने बाकायदा आपको बताया था प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज जो मुख्य बात है हमारी वो है कि हम कठिन प्रश्नों को हल कैसे करें, कठिन प्रश्नों को कैसे डील करें, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और सुने और समझें और इसे अपने जीवन में भी उतारें कि हम कैसे जो प्रश्न हमसे नहीं बन रहे हैं उनको हल करने का प्रयास करें। हम प्रश्न पत्र देखते हैं खोलकर और देखते हैं कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमसे नहीं बनते, परंतु हमें ऐसा नहीं है कि वो उनका ज्ञान ना हो कि हमने पढ़े ना हो, उनका बकायदा हमें पूरा ज्ञान है, बकायदा हमने उनको आसपास कहीं पढ़ा है, परंतु ये है कि हमने उनको डील कभी किया नहीं सही से, हमने उन्हें सही करने की जो एक्यूरेसी है उसको कभी समझे ही नहीं। तो आज के वीडियो में हम कठिनाई से कैसे पार पाएं, कठिन प्रश्नों से कैसे पार पाएं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज आपसे। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, मोरल स्टोरी, ताकि आप उसे अपनी उस कठिनाई से कनेक्ट कर सके, उस कठिनाई से जोड़ सके, उस मुसीबत से जोड़ सके। आप सब ने सुनी भी है, बस उसके पीछे जो मोरल छुपा हुआ है, जो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य छुपा हुआ है, उसको जानकर अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अब वो मोरल क्या है उसको भी समझेंगे और स्टोरी क्या है और कैसे हम कठिनाई से प्रश्न पत्र में प्रारंभिक परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कठिनाई से कैसे पार पा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कई ऐसे छात्र छात्राएं के ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कम पढ़ाई के बाद भी प्रारंभिक परीक्षा को सफल कर पाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो मेन मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि हम कैसे प्रश्न पत्र में, वैकल्पिक प्रश्न पत्र में जो विकल्प दिए जाते हैं हमें चार, उसमें से ज्यादा सही प्रश्नों को कैसे अमल करें, उसकी उनकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। इसलिए वो कम पढ़ के भी या वो अपना सिलेक्टिव अध्ययन करने के पश्चात भी वो सफल हो जाते हैं। तो वैसी ही बात आज हम इस प्रश्न को लेकर यहां पर आए हुए हैं कि कठिनाई मुसीबत से कैसे पार किया जाए। एक मैं आपको मोरल स्टोरी से प्रारंभ करूंगा, वो है कि कबूतरों का एक झुंड था और झुंड का एक सरदार हुआ करता था, आपने सबने सुनी है, और वो झुंड खाने की तलाश में जा रहा था, परंतु उन्होंने देखा कि नीचे बहुत सारा अनाज खाने का पड़ा हुआ है। तो झुंड ने बोला सरदार से कि हम इतना ज्यादा अब उड़ान नहीं भर सकते, हम बहुत भूखे हैं और हम नीचे जो पड़ा हुआ अनाज है उसको खाना चाहते हैं। सरदार ने बोला कि पर देख लेना ध्यान से, क्या पता किसी बहेलिए ने किसी शिकारी ने जाल बिछाया आपको इस जाल में फंसाने के लिए। उन्होंने बोला नहीं जो भी है हम तो जाएंगे, और सभी जितने भी कबूतर थे वो अपने नीचे आ गए वो खाने की सामग्री को खाने के लिए, वो जैसे ही आए बहेलिए के जाल में फंस गए और सब अब डर के, सबको पता था फंस गए तो डर के कारण भय के कारण रोने लगे कि अब क्या होगा और अब तो मुसीबत ही मुसीबत है, अब तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। उनके अस्तित्व पर बनाई, उनके प्राणों पर बनाई ये बात, क्योंकि अब जाने अब सब डरने लगे, परंतु उनका सरदार नहीं डरा। और सरदार निडर होके सोच रहा था कि कैसे इस जाल से, कैसे बहेली के शिकार से बचा जाए। तो उसने सभी कबूतरों को बोला कि यार देखो हम डरेंगे तो काम नहीं चलेगा, और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि हम सब लोग मरने का एक्टिंग करते हैं, मरने की हम इस प्रकार की एक्टिंग करते हैं कि हम मर चुके हैं, और बहेली आएगा उसे लगेगा हम मर चुके हैं, वो जाल हटाएगा हम सब उड़ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ और वो सब बच गए। अर्थात मुसीबत के समय भी हमें डरना नहीं है, मुसीबत वाले प्रश्नों को हमें डर कर हल नहीं करना। सबसे बड़ा जो मुख्य जो मैं आपको चैलेंज बता रहा हूं कि मुसीबत वाले प्रश्न, कठिनाई वाले प्रश्नों में हम इतने डर जाते हैं कि डर के कारण हम प्रश्नों पर ना तो प्रश्न पढ़ पाते, ना तो विकल्प समझ में आता, और ना ही हमको सटीक आंसर उसका समझ में आता।
तो याद रखें, सबसे जो मुख्य आज बात हम इस प्रश्न को लेकर कर रहे हैं इस वीडियो में, कि हमें कठिनाई से पार पाने के लिए उसका सामना करना है, डरना नहीं है भाई। जैसे कि विवेकानंद जी ने भी कहा है, विवेकानंद जी के पीछे एक बार किसी तीर्थ स्थल पर बंदर पीछे पड़ जाते हैं और विवेकानंद जी भागते हैं, तब कोई वहां बैठा हुआ वृद्ध व्यक्ति या कोई जो अनुभवी व्यक्ति था उसने कहा विवेकानंद जी से कि नहीं, आपको बंदरों से डरकर भागना नहीं है बल्कि खड़े होकर उनका सामना करना है, और उन्होंने ऐसा ही किया तो बंदर उल्टे भाग गए। तो हमें कठिनाई का सामना करना है, ना कि उससे भागना। और तुम हो कि प्रश्न कठिन देखा कि नहीं, आप भागना चालू कर देते हो, डर जाते हो आप, तो कैसे फिर आप उसका आंसर चार में से एक विकल्प का निकाल पाओगे? तो मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं यहां पर, कुछ टिप्स दे रहा हूं, जिसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान उपयोग करना है। सबसे पहला कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न पढ़ने के दौरान हमें पूरा प्रश्न पढ़ना है। हम कई बार पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ते, लास्ट तक ही नहीं जाते कि उसने नहीं पूछा है कि है पूछा है, उसने सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, हम कई बार ये देखते ही भी नहीं है। कई बार हम पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। सर प्रश्न पढ़ के क्या करना है? प्रश्न पढ़ने के पश्चात हम प्रश्न को समझेंगे। सर प्रश्न को समझे कैसे? तो प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न के खंड करना है, छोटे छोटे खंड करना है प्रश्न के, हमें छोटे छोटे विकल्प खंडों में बांट लेना है प्रश्न को, ताकि हमें समझ में तो आए कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न के छोटे छोटे भाग करना है, खंड करना है, उसके की पॉइंट निकालना है, ताकि हमें ये समझ में आए कि प्रश्न हमसे क्या चाहता है, तब तो हम विकल्प पर जाएं। हम विकल्प पर जाने से पहले प्रश्न को समझते नहीं और विकल्प पर चले जाते हैं सीधे, तो जो विकल्प है प्रश्न के अनुसार वो समझ ही नहीं पाते। तो पहली स्टेप कठिनाई से भरे हुए प्रश्नों को या किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कि प्रश्न को की पॉइंट में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे खंडों में की पॉइंट में बांट लें। अब प्रश्न का मुख्य जो संदर्भ है, जो मुख्य अर्थ है, उसे निकालें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। जब ये काम कर लिया तो अब जाएं हम विकल्प पर। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि चार में से कोई एक विकल्प सही है, कोई एक विकल्प की उस प्रश्न के अनुसार प्रधानता है, कोई एक विकल्प को हमें उसमें से चुनना है जो बिल्कुल सटीक है। अब आपने प्रश्न समझ लिया, तो अब ऐसा प्रश्न समझा है जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, बहुत कम नॉलेज है, परंतु प्रश्न समझने से, सबसे बड़ी बात, प्रश्न समझने से हमारी नॉलेज भी इंप्रूव होती है और अब ये जो पढ़ा है वो भी हमारा इंप्रूव हो जाता है, सबसे बड़ी बात। अब इसके बाद जब विकल्प पढ़ते हैं तो हम कोशिश करें कि विकल्प का प्रश्न से क्या संबंध है, अर्थात जो प्रश्न पूछा गया उसके और विकल्प के बीच में क्या संबंध है। दूसरी स्टेप में, जब हम दूसरी स्टेप में देखते हैं कि विकल्प और प्रश्न का कुछ ना कुछ संबंध है, तो वो संबंध हमें बारीकी बहुत गहराई से वो संबंध नजर आता है, छोटा सा। और जब संबंध नजर आता है तो पहली बार में हमारा दिमाग ने अगर उस प्रश्न को, उस विषय वस्तु को कहीं पढ़ा है, तो पहली बार में हमारा दिमाग उस प्रश्न का सही उत्तर निकालता है, पहली बार में, कि यार नहीं यार इसका आंसर तो यही है, इसका आंसर या तो बी है या सी है। पहली बार में हमने अगर कोई भी विषय वस्तु को पढ़ा है और पहली बार जब हमारे सामने आती है तो हम उस देख रहे होते हैं कि उसका आंसर हमारा पहली बार में बिल्कुल सटीक आता है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि पहली बार में उसका आंसर सही निकालती है। तो हम उसको पहली बार में जो हमारा उत्तर निकला है कि नहीं यार इस प्रश्न से हमें यह संबंध समझ में आया और इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है, तो हम उसे कभी भी काट कर, कभी भी हम उसे तोड़ कर, कभी भी हम उसे निगलेक्ट करके कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, वही है उसका आंसर। हम कई बार कई प्रश्न ऐसे ही गलत कर देते हैं कि प्रश्न तो सही किया, ये आंसर था, परंतु हम उसको काट कर क्या लगा के आ जाते हैं, नहीं भी। जबकि जो मैंने मेथड बताई कि प्रश्न को समझना है, पर प्रश्न और विकल्प के बीच में जो बारीकी संबंध है उसको समझना है, और जो पहली बार में हमें प्रश्न का उत्तर नजर आ रहा है कि नहीं हमने ये पढ़ा था पहली बार में ये जो उत्तर है यही सही है, तो उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, वही उसका क्या है आंसर है, उसको बिल्कुल भी आप डिलीट ना करें दिमाग से, बिल्कुल भी उसे काट कर रॉन्ग करके उसे दूसरे किसी अन्य प्रश्न को राइट ना करें, वही उसका राइट आंसर है। एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कई प्रश्न के विकल्प हम देखते हैं और उन प्रश्नों के विकल्प में एक प्रश्न होता है सभी सही है, उपयुक्त विकल्प सभी सही हैं, तो ऐसे केस में वो प्रश्न के आपसे दो तीन आयाम पूछ रहा होता है। जब आपसे पूछा जाता है चार विकल्प, तो उसमें दो तीन आयाम दिए रहते हैं कि भाई इस प्रश्न का ए बी आंसर, ए बी आंसर, ए बी आंसर क्या है ये, और नीचे लिखा रहता है कि चौथा आंसर, चौथा विकल्प में लिखा रहता है सभी सही है, उपयुक्त विकल्प सही है। तो वो है जो एग्जामिनर है, वो उसने आपसे उस प्रश्न के कम से कम दो से तीन आयाम एक साथ पूछे,
और चौथे आयाम उसने दे दिया कि यह सही आयाम, सभी आयाम सही हैं कि नहीं। ऐसे प्रश्नों में मेरा जो मानना है वो ये है कि ऐसे प्रश्नों में जो नन और जो ऊपर दिए गए हैं पूरे के पूरे हमारे विकल्प वो पूरे के पूरे सही होते हैं, अर्थात कोशिश करें कि सभी विकल्प सही लगाने की कोशिश करें। जो मेरा अनुमान है कि सभी विकल्प इसमें क्या है, सही है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे डील करें। पहला मैंने आपको स्टेप बताया, दूसरा जो मैंने आपको स्टेप बताया इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, तीसरे स्टेज पर आते हैं कि तीसरे स्टेज में कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें उनके बारे में बहुत कम ज्ञान हो रहता है, मानने कि हमने बहुत कम पढ़ा हो उनके बारे में, परंतु हम देखते हैं विकल्पों को और प्रश्न को, दोनों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं कि विकल्प में कई ऐसी, उसमें कई ऐसी विषय वस्तु दी रहती है जिसका कोई भी लेना देना नहीं रहता अन्य विकल्पों से। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आप बताइए कि चार और चार बराबर आठ होते हैं, अब मैं बताऊं कि आठ कैसे होंगे आपके, कि आठ में से अगर कितने घटाएं कि छह बचे, और मैं आपको दे दूं वहां पर कुछ विकल्प आपको कि आठ में से हम चार प्लस चार बराबर आठ, और आठ में से हम कितने घटाएं कि छह बचे, और मैं आपको दे दूं जीरो वन टू और 101, तो क्या 101 आंसर हो सकता, हो ही नहीं सकता। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपने जो पढ़ाई की है उसका वहां पर हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास है बिल्कुल समझदारी, हमें यहां पर ऐसे प्रश्नों में समझदारी दिखानी है विकल्प को देख करके। ऐसा कोई विकल्प ऐसा है इसमें कि उस विकल्प का कोई लेना देना ही नहीं है इससे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ऐसे कि इस विकल्प को जो विकल्प दिया गया है, जो 100 प्लस दिया गया है, उसका कोई लेना ही देना, उस विकल्प को आप डिलीट कर दें। फिर आप उसके आसपास की वैल्यू निकालने की कोशिश करें कि आठ में से कितने घटाएं, उसके आसपास कितनी वैल्यू आ सकती है, उस विषय वस्तु के आसपास क्या रह सकता है। तो आपने देखा कि नहीं यार इस विषय वस्तु के आसपास या तो एक है या दो, तो बताइए आप उस प्रश्न की 50% प्रोबेबिलिटी पर आ गए कि यह प्रश्न जो हल नहीं हो रहा था वो आपका अब कम से कम उसके हल होने के चांस 50% बढ़ गए, सोचिए आप। तो ऐसी स्थिति में अब आपको कोशिश करना है कि एक्यूरेसी कैसे बढ़े उस प्रश्न को हल करने के लिए, कि भाई अब मैं 50% इसके पास आ गया, तो अब कोशिश करें कि अब और इसके नजदीकी हम कैसे जा सकते हैं। तो ऐसे आप स्टेप अगली अगर प्रश्न देखें, अगला जो प्रश्न अगली स्टेप पर आते हैं कि अगला जो प्रश्न होता है उसमें देखते हैं कि कई बार प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई दो विकल्प ऐसे नजर आते हैं जो समान है, ऐसे लगते हैं कि नहीं यार ये विकल्प तो ऐसे लग रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, दोनों समान है, तो अधिकांश आंसर उन्हीं विकल्पों से नजर आता है हमको बार, कि नहीं यार इसमें से या तो बी हो सकता है, सी हो सकता है, दोनों ही इसमें ए और डी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं प्रश्न पत्र में कि हम देख रहे हैं कि विकल्पों में समानता है, दो विकल्प ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल बारीक अंतर है उनमें, बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो कोशिश करें कि ऐसे विकल्पों में से उन विकल्पों से आंसर निकालें जिनमें की समानता है। अगला हम देखें कि हमें आजकल प्रश्न देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है, एक कथन, दो कथन, तीन कथन, तीन कथन दे दिए। आपने देखा कि यार एक कथन ऐसा है, पहला कथन जो आपने पढ़ा कि उसका तो संबंध इससे आया नहीं, वो तो गलत हो सकता है, परंतु दो और तीन कथन आपने पढ़े ही नहीं है, आपको लगता है बहुत कठिन प्रश्न है कि यार अपन को तो एक ही कथन के बारे में पता है, पहले कथन, दो और तीन कथन के बारे में तो पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, एलिमिनेशन मेथड अपनाएं कि देखें कि ए बी सी डी जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक कथन जो बिल्कुल गलत है और जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं कि यह गलत है और जानते भी हैं, परंतु दो और तीन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, परंतु एक जो पहला कथन है जिसके बारे में आप अच्छे से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यह तो नहीं हो सकता, और वो देखो आप कि वो किस किस ऑप्शन में, आपने देखा कि वो तीनों ही ऑप्शन में, तो ऑटोमेटिक दो और तीन कथन के ना जानने के बाद भी आपने उस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। तो ऐसे प्रश्नों में एलिमिनेशन मेथड अपनाए कि जो गलत कथन है वो कौन कौन से हमारे ऑप्शन में, देखा कि बी और सी में तो ए और डी में से आंसर निकलेगा, देखा कि ए बी सी तीनों में तो डी आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो मैंने जो आज के वीडियो में जो आपसे चर्चा की है वो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की है जिसके बारे में आपको ज्ञान है, ऐसा नहीं कि जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं, ज्ञान है, परंतु अगर उन पर हम सोच समझ के विचार करें, अब अगर मैंने जो आपको कुछ मेथड्स बताई हैं उनके द्वारा हम उनके माध्यम से उनके तरीके से अगर विचार करें तो उन प्रश्नों के, कठिन प्रश्नों के भी हमसे हल निकल सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करें, जो मैंने मेथड इसको बार बार दोहराएं, आप टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाएं, आप बार बार इसको दोहराएं, क्योंकि जितनी बार दोहराओगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो कठिन प्रश्नों को सही करने की एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, और सही प्रश्न कठिन प्रश्नों को सही करने की जो एक्यूरेसी बढ़ेगी उस
से आपको सबसे बड़ा लाभ क्या मिलने वाला है कि आपका जो सिलेक्शन रुक रहा था एक प्रश्न के कारण, दो प्रश्न के कारण, तीन प्रश्न के कारण कि मेरे दो ही प्रश्न सर गलत हुए थे, तो उन जो गलत हो रहे थे प्रश्न उनकी सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप जो बार बार पढ़ के जा रहे हैं और बार बार आप पढ़ने के बाद भी कठिन प्रश्नों को सही नहीं कर पा रहे, उनकी एक्यूरेसी आपकी कम है, वो बढ़ जाएगी और वो बढ़ने से आपकी सफलता की दर बढ़ जाएगी, आपकी सिलेक्शन की दर बढ़ जाएगी। तो आज मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की कठिन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, कठिन प्रश्नों को कैसे प्रश्न पत्र के दौरान डील किया जाए। पहली हमने चर्चा की कि कैसे हम प्रश्न को समझें और प्रश्न को समझने के पश्चात उसमें दी गई विकल्पों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करें। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा सकता हूं इसको कि अमीर खुसरो कहता है, मैं इतिहास से संबंधित आपको एक प्रश्न दे रहा हूं कि अमीर खुसरो ने कहा है कि जो मांडू है वो दक्षिण विजय की कुंजी है, दक्षिण विजय का वो बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र है, ऐसा कह रहा है। अब वो अमीर खुसरो जो कह रहा है मतलब किसके संदर्भ में कह रहा है बताइए, दक्षिण भारत की विजय के संदर्भ में। और विकल्प दिए कि भाई किसके समाज किसके अभियानों के समय कह रहा है, तो उसमें विकल्प में दिया है आपको कि भाई अलाउद्दीन एक विकल्प दिया है, क्योंकि अमीर खुसरो के प्रत्येक अभियान में अलाउद्दीन उसके साथ रहा है। तो आपने विकल्प को भी क्या किया, उस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर लिया कि नहीं यार स्टेटमेंट भी आपका मैच कर रहा है, विकल्प आपको नहीं पता पर आपको इतना तो पता था कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के अभियानों में अलाउद्दीन के साथ रहा, अलाउद्दीन के दरबार में रहा, अलाउद्दीन का दरबारी साहित्यकार था, कविकार था। तो ऐसे आप दोनों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दो विकल्प ऐसे हैं जो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, समानता रख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनमें से आंसर निकालने की। आप देख रहे हैं कि एक दो तीन आपके कथन दिए, उनमें से आप देखा कि एक कथन गलत है और देखा कि वो तीन विकल्पों में, तो एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रश्न को खंडों में बांट कर प्रश्न समझना है, इसके बाद आपको विकल्प पर जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफी, अगले हम वीडियो में आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे, मुलाकात करेंगे और फिर से हम प्रश्न पत्र को, पूरे ओवरऑल प्रश्न पत्र को कैसे डील किया जाए, प्रश्न पत्र में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे अर्जित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।